सिमरन सिमरन तुम रो क्यों रही? तुम्हें अंगद की बात का बुरा लगा? सिमरन बड़े भाई बहन को लेकर प्रोटेक्टिव होते ही है। उनकी बात का बुरा नहीं मान रही। फिर क्या बात है? अच्छा ठीक, तुम चुप इधर आओ, इधर बैठो। रोना बंद करो पहले तू। चुप हो जाओ, बताओ क्या बात है? किसी को बताओगी तो नीना? तुम्हें लगता है मैं बताऊंगी? पिछली बार ना मैं आरफ से मिलने गई थी और मैंने उसको हक किया था और पता नहीं चुपके से उसने उसकी वीडियो बना ली और वो मुझे मैसेज कर रहा है कि वो पूरे स्कूल में वो वीडियो दिखा देगा। उसने वाकई वो वीडियो बनाई है या डरा रहा है तुम्हें? पता नहीं, पर वो मैसेज कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमरन वो वेली बकवास कर रहा है, जस्ट इग्नोर। और तुम्हें ना उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उससे मिलने की भी जरूरत नहीं है, ओके? रही बात उस वीडियो की, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जाने माने ज्वेलरी ब्रांड बराज ज्वेलर्स को दिल्ली के एक होटेलियर जोरावर सिंह मान ने टेक ओवर कर लिया है। जी हाँ, अब राज ज्वेलर्स के नए मालिक और नए सीईओ हैं जोरावर सिंह मान। अंगद सिंह कार, ये सब देख के तेरा दिल ही टूट गया होगा। दिल तो टूट ही गया होगा। वैसे बच्चों, तुम अपने घर में एम्बुलेंस जरूर भिजवा देना। हाँ। और ये सब खरबंदा अंकल की वजह से पॉसिबल हुआ है और उनसे मिलने का काम तुम दोनों की वजह से हुआ। मेरे लिए जीत बहुत मायने रखती है और तुम दोनों ने जीतने में मेरी मदद की है और बदले में जीती है मेरी दोस्ती। दोस्ती हो या दुश्मनी, जोरावर पूरी शिद्दत से निभाता है। माइक, कहीं किसी ने जोरावर और मेरी बातें तो नहीं सुन ली? जेरी ने एक बार फिर अपने भाई को धोखा दिया। उसने एक बार फिर अंगद चीजू का भरोसा तोड़ा। जेरी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगे। सरकार, मिस्टर खरबंदा आ गए हैं। वेलकम मिस्टर खर। सरप्राइज। अफसोस, तेरे दोनों भाई जिन्हें तू अपनी बाजुएं समझता था, आज उन्हीं बाजुओं ने मुझसे हाथ मिला लिए।